गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये रिलेटेड है शादी से। शादी का टाइम चल रहा है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम शादियों में चाहते हैं, जैसे कि हम कपड़े चाहते हैं, ज्वेलरीज चाहते हैं, मेकअप चाहते हैं। तो वीडियो के अंदर मैंने गर्ल्स के जिस आइटम को सिलेक्ट किया है वो है ज्वेलरी, क्योंकि शादियों में क्या होता है ना, कपड़े मिल जाते हैं, मेकअप पता ही चल जाता है, पर सबसे मेन होता है ज्वेलरी क्या पहने, किसके साथ क्या जाएगा, कहाँ से अच्छी ज्वेलरी मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ शादी से रिलेटेड ज्वेलरी बाय किया और ये सारी ज्वेलरी मैंने अमेजोन से बाय की है। एंड लेट्स सी कि इनके प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी कैसी है। एंड या गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड या गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। क्लीना, मुझे इयररिंग्स का इतना ज्यादा क्रेज हो रखा है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इयररिंग्स बाय करती हूँ, क्योंकि इयररिंग्स ऐसे हैं कि आप अगर फुल सेट भी ना पहनो, इयररिंग्स पहन लो तो यू आर गुड टू गो। जो आइटम है आप पिक्चर साइड में देख सकते हो। सो जो आइटम मुझे रिसीव हुआ है वो है दिस। ओह माय गॉड, ये इतने सुंदर है ना, इनमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में बोलूं कि ये कमी है। बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। पूरे फेस पे यहाँ पे कुंदन का वर्क है एंड इस पे फिर यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं और काम तो इतना प्यारा और इतनी फिनिशिंग से हुआ है ना। अगर आप ये इयररिंग्स बाय करना चाहते हो तो प्लीज मस्ट बाय, ये बहुत प्यारे हैं। और इनका प्राइस है गाइज 378 समथिंग के अकॉर्डिंग ये बहुत ही सुंदर है। आई मीन वर्थ ऑफ मनी। समटाइम क्या होता है ना, हम ऑनलाइन ज्वेलरी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छी नहीं आई तो रिटर्न में इशू ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी रिटर्न पॉलिसी है, तो रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है। इतना प्यारा सा झुमका है ना, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे। प्राइस के अकॉर्डिंग ये एकदम वर्थ है, सुंदर है, बहुत प्यारा है, अफोर्डेबल है। अगर आप किसी अच्छी इयररिंग्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हो शादी के सीजन में तो प्लीज इन्वेस्ट इन दिस वन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं इसलिए इसको ऐसे नहीं दिखा रही क्योंकि मैं जैसे ही ऐसे करती हूँ ना, मैं नीचे गिरा देती हूँ, तो दो तीन बार गिर चुका है और उसका कोई नग नहीं निकला। तो आई मीन क्वालिटी वाइज इज परफेक्ट। आइए गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है दिस वन। और जो इयररिंग्स मुझे रिसीव हुआ है, ओ माय गॉड, ये भी बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारे हैं। वो वाले मैं कह सकती हूँ थोड़े हैवी हैं, इनका थोड़ा वेट कम है और ये भी बहुत सुंदर है दिखने में। और ये ऐसे झुमके हैं कि हर एक आउटफिट पे जाने वाले हैं। इसमें यहाँ पे भी सेम वही कुंदन का वर्क है एंड देन नीचे आपको पर्ल्स मिलेंगे। इसका काम भी बहुत फिनिशिंग के साथ है। आई रियली लव, यहाँ पे उन्होंने ये जो पर्ल्स लगाए हैं ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये झुमका थोड़ा लाइट वेट है, जिनको ज्यादा हैवी झुमके नहीं पसंद वो इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका इतना वेट नहीं है। हम ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली, लेकिन ये वाले एकदम परफेक्ट है। सो यू कैन सी दैट की कितने अच्छे से इस पे काम हो रखा है, कोई इश्यू ही नहीं है, इतना प्यारा लग रहा है ये झुमका भी। अगर आप ज्यादा हैवी नहीं कैरी कर सकते तो आप इनको बाय कर सकते हो। इनका प्राइस है 302 रुपीज। तो 302 में ये भी बहुत अमेजिंग है, अपने प्राइस पे एकदम वर्थ है, काफी सुंदर से हैं। और मैं डर रही हूँ कि मैं इनको भी नीचे ना गिरा दूं, मैं बार बार नीचे गिरा दे रही हूँ। एंड सो प्रेटी, बहुत ही प्यारे से है। जो हॉल है ना, ये पर्सनली मुझसे भी रिलेटेड है। अभी आपको पता होगा कि रोश के भाई की शादी है तो मैं भी अपने लिए शॉपिंग कर रही हूँ। तो आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ मैं कहाँ से क्या बाय कर रही हूँ। तो ये मैंने एक झुमके बाय किया, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, लव इट, बहुत प्यारे से है। और ये आई थिंक हर ड्रेसअप के साथ जाएंगे, आप कोई भी कलर पहन लो, ये हर किसी के साथ जाने वाला है। एंड या गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट है गाइस, मैंने बताया ना मैं इयररिंग्स की पता नहीं क्यों मुझे इतनी फैन हो गई हूँ। तो काफी लोग बोलते हैं कि मैं कुछ एक्सेसरीज क्यों नहीं कैरी करती, सच बोलूं तो मुझसे हो नहीं पाता। तो मेरे पास जो भी थे वो खराब हो चुके हैं। तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, शुड आई बाय इट, फिर मैंने बाय कर लिया। तो जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है दिस वन। ये बहुत ही प्यारे हैं, ये वाला पर्ल्स में है, ये नॉर्मल मेटल में है और ये दोनों मिक्स में है। ऐसे ही सेम ये छोटे वाले हैं एंड देन दिस इज वन इज पर्ल्स एंड दिस वन इज लाइक स्टोन वाला होता है वो वाला। बहुत प्यारा लगा मुझे एंड इनका स्टाइल बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरा कान बहुत ज्यादा रेड दिख रहा है क्योंकि मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ, उतार रही हूँ, इस वजह से मेरा कान बहुत रेड हो गया है। बट इयररिंग्स में कोई इशू नहीं है, इयररिंग्स बहुत प्यारे हैं, काफी लाइट वेट इयररिंग्स है। छोटे वाले इयररिंग्स इसलिए नहीं पहनती, मेरे कान अगर देखे होंगे लोगों के ऐसे होते हैं, मेरे ऐसे हैं तो वो दिखते भी नहीं है, तो मैं नहीं पहनती। ये पूरा सेट था तो 199 रुपीज में ही मुझे पूरा सेट मिला है, इसमें आपको 6 पेयर मिला है। ये वाला मेरा फेवरेट है एंड क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी एकदम अमेजिंग है, किसी पे भी कुछ इश्यू नहीं है। ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों पे जाएगा तो इसलिए मैंने ये वाले बाय कर लिए। बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, सो मुझे पसंद आया तो मैंने बाय कर लिया। और इनका प्राइस भी ज्यादा नहीं। सारी ज्वेलरी जो है आप मेरे हॉल पैक स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हे गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आइटम है गाइस वो है ये चोकर सेट। मुझे ना चोकर सेट ज्यादा पसंद है नॉर्मल सेट से। अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी चोकर सेट ही ऑर्डर किया, तो नॉर्मल सेट नहीं ऑर्डर किया था। एंड गाइस, जो आइटम मुझे रिसीव हुआ है वो है दिस वन। ये बहुत सुंदर है, लिटरली ये मुझे एकदम वो रानी वाला फीलिंग दे रहा है, रॉयल फीलिंग दे रहा है। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो ये पर्ल्स लगे हैं। ये पर्ल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स है। पर्ल्स होते हैं ना, आपको पता चल जाता है वो लाइट वेट होता है, पर ये बहुत हैवी वेट है, इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स है।
एंड ये पहनने के बाद भी बहुत रॉयल लुक कर रहा है इसमें एकदम सेंटर में देखो कितना अच्छे से काम हो रहा है। इनकी जो क्वालिटी है पर्स की वो प्लास्टिक वाली नहीं है, रियल पर्स नहीं है, लेकिन अगर फेक भी है तो वो प्लास्टिक वाले नहीं है। एंड यू कैन सी द इसका जो ओवरऑल लुक है, इसकी जो क्वालिटी है और इसमें जो इतना फिनिशिंग से उन्होंने काम किया है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये 10/10 है। एंड इसके इयररिंग्स दिखाती हूँ, तो इसके इयररिंग्स आपको ऐसे सर्कल वाले मिलेंगे, ये भी एकदम वो रानी टाइप ऑफ फीलिंग वाले इयररिंग्स हैं एंड बहुत प्यारे से लग रहे हैं। इनमें कुछ नहीं है, जैसे चौकर में सेंटर में उसी का स्मॉल वर्जन है। ये इयररिंग्स उन लोगों के लिए हैं जिनको बिल्कुल भी वो लटकने वाले इयररिंग्स नहीं पसंद है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये जो सेट है ये है जस्ट 199, तो 199 के अकॉर्डिंग दिस सेट इज सो वर्थ इट। फर्स्ट वाले सेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल है, ब्यूटीफुल है, क्वालिटी अच्छी है, काम इतना प्यारा से हो रखा है। एंड यहाँ गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट एंड फाइनल आइटम है वो है दिस वन। अब बिना मांग टीका और इयररिंग्स के सेट के कैसे काम चलेगा वो भी होना चाहिए, तो प्रॉपर एकदम हॉल कर देते हैं इयररिंग सेट और मांगटी का सेट। आया गाइस जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, पहले मांगटी का दिखाती हूँ। तो ये है इसका मांगटी का, इतना बड़े बड़े मांगटी का पसंद है तो एकदम परफेक्ट है। मेरी जो लिस्ट है टू डू लिस्ट उसमें एकदम चेक हो गया है। एंड यस मैं अपनी शादी की शॉपिंग, अपनी नहीं मतलब समझ रहे हो ना, तो वहीं की शॉपिंग कर रही हूँ और आपको मैं पहले ही बता रही हूँ मैं कहाँ से क्या लेने वाली हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा है, इस पे भी काफी अच्छे से वर्क हो रहा है, इस पे कुंदन का काम है एंड देन फिर उसके बाद वही पर्ल्स वाला लुक है। अगर किसी को लग रहा होगा कि सारे सेम है तो सारे अलग अलग है, एक साथ सारे दिखा दूंगी। एंड इसके इयररिंग्स दिखाती हूँ, तो इसके इयररिंग्स वैसे ही है जैसा मांगटी का है और ये भी बड़े बड़े इयररिंग्स है। हम साइड पे देखते हैं तो वो इयररिंग्स बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे हमें पार्सल होते हैं वो इतने इतने से होता है, तो बिल्कुल वैसा नहीं, एकदम बड़ा है। इसलिए मैंने खुद पे पहन के दिखाया कि आपको साइज का पता चल जाएगा कि साइज इसका छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। तो यू कैन सी सो प्रेटी, ये भी बहुत प्यारा है। सो पहनने के बाद ये एकदम शादी वाली वाइब्स दे रहा है। एंड सेम इसका जो दूसरा इयररिंग है वो भी वैसा ही है, ऑब्वियसली इयररिंग सेम होंगे। गोल्ड और सिल्वर का क्या फायदा होता है, उसका ये फायदा होता है कि आपको पर्टिकुलर अलग अलग कलर की चीजें लेने की जरूरत नहीं होती, ये सभी के साथ चली जाती है, तो इसलिए मैंने गोल्ड में लिया है। एंड सिल्वर वाला मुझे इतना पसंद नहीं आता है, तो मुझे गोल्ड पसंद है, तो इसलिए यू कैन सी सो प्रेटी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसका प्राइस भी है जस्ट 282 रुपीज, तो 282 में दिस सेट इज सो वर्थ इट। अब तीनों इयररिंग्स एक साथ दिखा रही हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि सब सेम है। तो ये है पहला इयररिंग, तो सब चेंज है, कोई भी एक दूसरे से कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, इवन तो कलर भी मैच नहीं कर रहा। That's it for this video. Hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिला हो कि कहाँ से ज्वेलरी बाय करनी चाहिए और कौन कौन सी ज्वेलरी ज्यादा अच्छी है। तो लिटरली सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी फिनिशिंग के साथ काम हुआ है। एंड सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे होलपिक स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड यार गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।